हाँ जी बेटे, फोर्थ एडजस्टमेंट है एनपीओ की, कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन, या फिर इसे कंज्यूमेबल गुड्स की जगह हम लिख सकते हैं यूज्ड गुड्स। ठीक है, देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा बेटे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेबिट साइड में अपने सारे एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारा खर्चा। करेक्ट? आप मुझे एक बात बताएं जरा, खर्चा हमारा कब होता है? मान लीजिए ये जो बेटे पेन है, ये पेन मैंने खरीदा, देखिएगा आप मुझे बताइएगा कि ये एक्सपेंडिचर कब होता है। एक 10 रुपए का पेन मैं खरीदता हूं, परचेज पेन 10 रुपए का, मुझे ये बताओ बेटे जी, क्या ये परचेज करना मेरे लिए कोई खर्चा है या नहीं? हाँ या ना, मैं जल्दी से जवाब दो। यस सर, ये खर्चा है। यस सर। देखिए अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक आम आदमी तो खरीदने पे ही खर्चा मान लेता है, बट हकीकत ये है कि कभी भी खरीदने पे कोई खर्चा नहीं होता है। ऐसा खरीदने पे खर्चा नहीं होता। हाँ बेटे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए खर्चे की डेफिनेशन जो हमारे अकाउंट्स ने दी है वो ये होती है कि ऐसी पेमेंट जो रिकवर नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, साक्षात भगवान कृष्ण धरती पे बुला लीजिए, आप फिर भी उस खर्चे को, उस पेमेंट को रिकवर नहीं कर सकते। खर्चे की निशानी ये होती है। आगे से ये लेमैन भाषा में हम खर्चा नहीं पढ़ेंगे ना बोलेंगे, क्योंकि खर्चे का मतलब ये होता ही नहीं। खर्चे का मतलब क्या होता है देखिएगा बेटे, ये जो पेन परचेज किया गया, क्या मैं चाहूं तो इसे दुकानदार को तुरंत वापसी करके 10 रुपए ले सकता हूं? जवाब है हाँ। यस सर। अगर मैं ले सकता हूं तो बताओ ये फिर खर्चा कैसे हुआ? अगर ये रिकवर हो गए 10 रुपए तो ये खर्चा है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए बट इस, सर, एक मिनट रुकिएगा मुझे अगर ये बताने दो दिनों के दीजिए। बाद देंगे तो फिर तो नहीं होगा ना रिकवर? है जी बेटा, एक दो दिनों के बाद देंगे तो नहीं होगा रिकवर? हाँ जब रिकवर नहीं हो सकता तो फिर खर्चा है। मैं अब उसी पॉइंट पे आ रहा था। मान लीजिए कि हम इस पेन को यूज कर लेते हैं। लो जी बेटे, मैंने इस पेन को यूज कर लिया और पूरे इस पेन की इंक मैंने निचोड़ दी और ये टूट भी गया। अब मैं दुकानदार के पास जाता हूं और मैं कहता हूं अंकल जी पेन यूज हो गया, ले लो पेन और 10 रुपए दे दो। अंकल जी मुझे तुरंत दुकान से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कहेंगे कि बेटे एक अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ और इलाज कराओ। तो बेटे बात ध्यान से समझो, खर्चा पता है कब हुआ? खरीदने पे खर्चा नहीं हुआ, खर्चा होता है जब हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। आप एक आइसक्रीम खरीद लेते हो, आप देखते हो उस आइसक्रीम को 10 रुपए दे देते हो, खर्चा हो गया? नहीं हुआ। खर्चा जब तक नहीं होता जब तक आप उसका बेनिफिट ना ले लें। आप अगर उस आइसक्रीम को यूज, अब आप उसे कोई यूज तो करोगे नहीं, आप उसे कंज्यूम करोगे, तो जब तक आप उसे कंज्यूम नहीं कर लेते हैं तब तक आपका खर्चा नहीं माना जाता है। समझ गए इस बात को? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी आइटम हमारे लिए खर्चा खरीदने पे नहीं बनता अकाउंट्स में, वो खर्चा बनता ही तब है जब आप उसका बेनिफिट ले गए। अब बेनिफिट दो तरीकों से लिया जाता है। अगर तो वो खाने वाली चीज है तो हम उसे करते हैं कंज्यूम, और अगर वो खाने वाली चीज नहीं है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी पर्पज से, तो
तो उसे कहा जाएगा यूज। मैं आपको अब यहां पे यही सिखाने वाला हूं कि देखिए गुड्स पे खर्चा कब होता है, मतलब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो खर्चा नहीं है, असल में हमारा खर्चा चीजों से कम होता है, ये सीखना है हमें। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई आप सबको? यस सर। चलिए तो देखिए अब जरा। यस सर। अब मैं एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा और आपसे आप खुद अपनी जबान से बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, देखते हुए चलिएगा। देखो बेटे, हमने कुछ दवाइयां खरीदी, मेडिसिन, इस वक्त पे कोरोना चल रहा है जी, सभी भगवान न करे सभी को जरूरत पड़े, लेकिन जिनको जरूरत पड़ती है वो दवाइयां खरीदते हैं बेटे। इसी तरह से हमने कुछ दवाइयां खरीदी है 1,000 रुपए। ये बताइए जरा, ये जो दवाई खरीदना है क्या ये हमारा खर्चा है या नहीं? नहीं है, नहीं है। जब तक हम इन दवाइयों को कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक हमारा खर्चा नहीं है। ठीक है जी, बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ये बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको बताता हूं जी आप खर्चा कैसे निकालते हैं, देखते हुए चलना बेटा। बेटे एज्यूम करो एक सुबह आप उठते हो, आप मॉर्निंग में उठे और आपको चिप्स खाना बहुत पसंद है, तो आपके पिताजी ने कल रात को ही आपके पास 5 चिप्स के पैकेट रख दिए थे। जैसे ही आप सुबह उठे तो बगल में आपको ये 5 चिप्स के पैकेट मिलते हैं। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं, क्योंकि आप चिप्स खाने के बड़े आदी हैं तो आप 5 चिप्स से तो आपका पेट भरेगा नहीं, आप दिन के दौरान 3 चिप्स के पैकेट और खरीद लेते हैं। 3 चिप्स के पैकेट और खरीद लिए, आपके पास कुल मिलाकर बताइए कितने चिप्स के पैकेट हो गए? 8। 8 हो गए सर, 8। अब बेटे आगे देखो, आप जब रात को सोने जाते हो तो सोते वक्त आपके पास चिप्स के जो पैकेट बचे हैं वो सिर्फ 2 ही बचे हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि आपने चिप्स के कितने पैकेट कंज्यूम कर लिए? 6 कर लिए सर। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप सुबह आपके पास 5 चिप्स के पैकेट थे, 3 खरीदे, 8 हो गए, अगर 2 बचे तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि हमने 6 चिप्स के पैकेट कंज्यूम करे। हाँ या ना, बोलिए जरा, कोई मुश्किल है? Yes, sir. बेटे बस इसी तरीके से हमारा कंज्यूमेबल गुड्स निकलता है। यहां से अब एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, देखिएगा जरा। हमारे बिजनेस में मॉर्निंग होती है जब साल शुरू होता है, शुरुआत में, और ये है ड्यूरिंग द ईयर की कंडीशन, और नाइट होती है जब साल एंड होता है। जो साल के शुरुआत में अपने पास सामान होता है हम उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, और जो साल के दौरान हमने खरीदा उसे हम कहते हैं परचेज। आप असल में ये 6 चिप्स के पैकेट तक कैसे पहुंचे, आपने ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ा और उसमें से ये जो बचे हुए चिप्स के पैकेट थे इसे माइनस कर दिया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। लो बेटे ये एक फॉर्मूला बन गया। ये कोई फॉर्मूला है नहीं, बात ध्यान से समझिएगा, ये तो एक जनरल सेंस है। अब बच्चा कहते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेज आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो मैंने तो बेटे आपको ये बाद में लिखवाया है, पहले तो आपसे जनरल बात पूछी तो आपने खुद ही जवाब दे दिया।
बस बेटे ये कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन है। बताइए जरा क्या मुश्किल है ये एडजस्टमेंट? बहुत बहुत ज्यादा आसान। चलिए तो अभी इसी बात को जो मैंने अभी आपको यहां बताई इसे अंग्रेजी में लिख लेते हैं। लिखिए अब जरा, क्या आप साथ साथ नोट कर रहे हैं सभी बच्चे? देखिए सभी नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? लिखिएगा पॉइंट नंबर 3। यही तो थे पॉइंट 1 और 2, ये जो समझा रहा था। चलिए छोड़िए, अगर आप ये समझाने वाले को पॉइंट नहीं रखना चाहते तो यहीं से हम लिख देते अपना फेयर पॉइंट। लिखिए लिखिएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम्स फॉर विच क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज, ब्रैकेट में लिखिए, समटाइम्स ओपनिंग स्टॉक इज गिवन कॉमा वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूज्ड गुड्स और कंज्यूम गुड्स फुल स्टॉप। मैंने आपको क्या लिखवाया है इसे ध्यान से समझिएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम्स, उन आइटम्स का खर्चा निकालने के लिए, जिन आइटम्स के लिए बेटे जी दो चीजों का होना जरूरी है। अगर किसी भी आइटम को लेके क्लोजिंग स्टॉक गिवन है या फिर परचेज गिवन है, ये दो तो है मस्ट, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, और कई बार उन आइटम का ओपनिंग स्टॉक भी गिवन हो। तो हमें ऐसे आइटम्स की कैलकुलेशन के लिए हमें उनके कंज्यूम गुड्स की वैल्यू या फिर यूज गुड्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वही वैल्यू खर्चा माना जाता है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए आप ये कंज्यूम गुड्स की हर एक आइटम के लिए नहीं करोगे एडजस्टमेंट, आप केवल उन्हीं चीजों के लिए करोगे एडजस्टमेंट जिसका क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा और परचेज गिवन होगा और कभी कभी ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा। मतलब ओपनिंग इतना जरूरी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज अगर गिवन है तो आप समझ जाइएगा कि आपको कंज्यूम गुड्स की कैलकुलेशन करनी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में आपको बड़ा आसान होगा आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक गिवन होंगे। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर किसी भी आइटम के रिगार्डिंग आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो आपको उसका खर्चा निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? आपको उसका खर्चा निकालने के लिए कंज्यूम गुड्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी? देखिए अब जरा, अब लिखिए हाउ टू शो कंज्यूम्ड गुड्स इन इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे मैं आपको बहुत आराम आराम से बताऊंगा, तो आप जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बेटे जी मैंने यहां पर लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसे किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि ये एक खर्चा निकाला जा रहा है, तो खर्चे आप जानते ही हैं, सारे के सारे खर्चे कहाँ आते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हाउ टू शो कंज्यूम्ड गुड्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम कंज्यूम गुड्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है? ये मैंने बना लिया जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए इसमें ये वाली साइड है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट, क्योंकि कंज्यूम गुड्स हमारे लिए खर्चा है, तो बेटे जी ये डेबिट साइड में आएगा। और आप इसे कैसे दिखाएंगे? टू गुड्स कंज्यूम्ड स्लैश यूज्ड, गुड्स पे एक स्टार बनाइएगा। गुड्स का यहां पे मतलब है, अगर मान लीजिए आपको मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो आप मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल लिखोगे। कहने का मतलब जिस किसी भी चीज के लिए आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप गुड्स की जगह पे वो नाम लिखोगे। तो टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इस तरीके से आएगा। स्टेशनरी यूज्ड, ठीक है जी। ये लिखने के बाद आप इसके नीचे अपनी एडजस्टमेंट करके दिखाओगे, और वो कैसे होगा? सबसे पहले तो आएगा इसमें ओपनिंग स्टॉक, प्लस किया जाएगा परचेसेस को, और माइनस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी? कंज्यूम गुड्स की वैल्यू, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू, ये होते हैं बेटे हमारे कंज्यूम गुड्स। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो एक गुड ऐसा है जो खाया नहीं जा सकता, तो आप यहां पे यूज्ड गुड्स, मतलब ये लिखना नहीं है, मतलब वो यूज्ड गुड्स होंगे। भाई आप कंज्यूम वर्ड तब यूज करोगे जब उसका नेचर ऐसा है कि वो आप ले सकते हो, खा सकते हो, और अगर आप खा नहीं सकते हो तो आप यूज्ड वर्ड यूज करोगे। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, ठीक है जी। हम हर बार खर्चे को इसी तरह से दिखाएंगे, हम इसे एक एग्जांपल से भी करेंगे। इनकम की साइड में क्या लगता है जी? सर हाँ भाई, इनकम में साइड पे लगता है, इनकम की साइड में लगता है। ये है बेटे कंज्यूम्ड गुड्स, कंज्यूम्ड गुड्स। देखो ध्यान रखो, कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट तब होती है जब हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन हो, जब हमें ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो। अगर किसी भी चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो ही हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डेबिट साइड में आके, ठीक है जी। आइए अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उस एग्जांपल से पहले एक नोट लिख लीजिएगा, लिखिए नोट। इफ परचेजेस आर नॉट गिवन in any question,
अगर मान लीजिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन में परचेजेस गिवन नहीं है, देन वी हैव टू कैलकुलेट इट, तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग सप्लायर अकाउंट। देखो बेटे जी, जब बच्चा ये बात समझ जाता है कि कंज्यूम गुड्स कैसे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करें और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें, तब क्वेश्चन अपनी बदमाशियों पे उतर आता है। और बदमाशियां वो किस तरह से करता है, वो बच्चे को कोई भी वैल्यू डायरेक्ट देना पसंद ही नहीं करेगा। अब देखिए, हमें कंज्यूम गुड्स निकालने के लिए ये तीन वैल्यूज की जरूरत है, ओपनिंग स्टॉक और इसके अलावा परचेज और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरे बच्चे आपको इनमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग हो तो आपको वो निकालनी पड़ेगी। और मजे की बात ये है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मिसिंग होगी। वो इस वजह से क्योंकि ये तो उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से वो कैलकुलेट नहीं करवा सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में परचेजेस देखने को नहीं मिलता है, और परचेजेस के बिना हम ये वाली कैलकुलेशन कर नहीं सकते। इसलिए मैंने यहां पे आपको नोट में बताया है कि अगर परचेजेस गिवन ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा सप्लायर अकाउंट। अब ये सप्लायर अकाउंट कैसे बनता है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। बस अभी आप यहां पे एक सप्लायर अकाउंट का फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए, मैं इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं। और कारण यह है कि पहले इसे समझाऊंगा उसके बाद इसे लिखवाऊंगा। इस तरीके से हमें वर्किंग नोट में जाके एक सप्लायर अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर हमें क्या गिवन ना हो, परचेजेस। सर अगर हमें परचेजेस गिवन हो तो, अरे तो दिक्कत ही क्या है, तो फिर डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करो और आंसर बाहर। ये तो बनाना तब होता है जब हमें परचेजेस का अमाउंट गिवन नहीं होता है। तो आप अभी सिर्फ इसका फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, अब आइए हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। देखिएगा, लो बेटे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वन, लिखिए प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। मेरे बेटे ध्यान से समझिएगा क्या मांगा गया है, फाइनल अकाउंट्स मांगे गए हैं। ठीक है जी, तो फाइनल अकाउंट्स में आप अच्छे से जानते हैं तीन चीजें आती है। अब हमें डेटा क्या क्या गिवन है, यहां लिखिएगा आप प्रीवियस ईयर और यहां लिखिएगा करंट ईयर। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में फायदा तभी है जब आप साथ साथ लिखें, क्योंकि मैं उसी स्पीड से करा रहा हूं कि बच्चा साथ साथ लिख सके। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, बेटे हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक बताया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल 1,00,000 रुपए प्रीवियस ईयर और 70,000 रुपए है करंट ईयर। इसके अलावा क्रेडिटर्स 4 स्पोर्ट्स मटेरियल
पहले है 40,000, उसके बाद है 60,000। और फिर हमें बताया गया है परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्यूरिंग द ईयर 40,000। परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 40,000। ये हमारा एग्जांपल है और क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट में ये मांगा है कि आप फाइनल अकाउंट्स दिखाएं एनपीओ के। तो देखो बेटे, ये जो परचेजेस है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन होता है। अब मांगा क्या गया है फाइनल अकाउंट्स, तो आप अच्छे से जानते हैं कि फाइनल अकाउंट में कुल मिला के हमें तीन चीजें बनानी होती है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, वेरी गुड, बिल्कुल छोटी सी बनेगी जी, ये बन गई ओपनिंग बैलेंस शीट। और मेरे बच्चे इसके अलावा हमें बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इससे हल्का सा बड़ा बनाइएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, क्योंकि इसमें कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। और इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये भी बड़ी छोटी सी बननी थी, वैसे तो मैंने बड़ी खामत नहीं बनाई। ये तीन चीजें बनेंगी, ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये है जी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। लो बेटे, तीनों चीजें हमारी तैयार है। अब मैं इसमें पर्टिकुलर्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं ताकि हम जल्दी से इसे कर पाए। बेटे मुझे बस इतना बता दो, क्या स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बातचीत हो रही है इस क्वेश्चन में, या इसके अलावा भी और कुछ गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल के अलावा? सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बोल रहा है। स्पोर्ट्स मटेरियल बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो उसका स्टॉक हमें गिवन है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है। स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास इतना सामान था स्पोर्ट्स मटेरियल का, शुरुआत में 1,00,000 और एंड में 70,000। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हमने कितना कंज्यूम कर लिया या कितना यूज कर लिया, तो आपको अच्छे से बताया जी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके डेबिट साइड में यहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड लिखना पड़ेगा। सर अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिख जाए स्पोर्ट्स मटेरियल का या किसी और चीज का, तो क्या हम डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके ऐसे ही करते शुरू? यस, ऐसे ही करना है। अब बताइए स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड कैसे निकलेगा? जितना मेरे पास शुरुआत में था उसमें मैं प्लस कर दूंगा परचेजेस, और फिर उसमें से माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, यही तो तरीका है। ओपनिंग स्टॉक बताओ बेटे कितना है? 1,00,000 रुपए। परचेजेस बताइए जी कितनी है? 40,000 रुपए। देखिए परचेजेस गिवन है हमें बाहर, देख रहे ना, 40,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 70,000। लो बेटे बस 1,40,000, 1,00,000 शुरुआत में था, 40,000 खरीदा, 1,40,000 हो गया, और उसमें से अगर आपने 70,000 बचा रखा है तो बताओ बाकी का 70,000 कहां गया?
वो खेलते खेलते टूट गया, यूज हो गया। ठीक है भाई, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या पर्पस था? यूज ही तो करना था, खेलना ही तो था, तो बस वो बेटे यूज हो गया। तो बताओ आप जरा यहां कितना आएगा? 70,000 रुपए। मतलब हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल से कितना खर्चा हुआ है? 70,000। बोलो हाँ। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। अब बेटे ये जो आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस देख रहे हो, ये बैलेंस शीट में भी जाएंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिया, परचेज लिया, तो सर ये क्रेडिटर्स हमें क्यों दे रखे हैं? बेटे बेवकूफ बनाने के लिए। असल में मैंने ये वाला एग्जाम्पल पहला एक सीबीएसई हाँ जी बेटे देखिए ये असल में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यहां क्यों गिवन थे, ये मैंने एक सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पिक करा था। उसमें ये वाला डाटा सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए गिवन था, क्योंकि काम पता है किससे होना था? ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और परचेज ऐसे, और ये सिर्फ बैलेंस शीट में आनी थी वैल्यूज, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की वैल्यूज है, ये करंट ईयर के बैलेंसेस है तो करंट ईयर में आएंगे, इनका रोल सिर्फ इतना ही है। चलिए अब इन्हें इनकी बैलेंस शीट में जहां जाना चाहिए पहुंचा देते हैं। प्रीवियस ईयर वाले आइटम जो है ये 1,40,000, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, बेटे मेरे पास बैट बल्ला बैडमिंटन बहुत सारे रखे हैं, ये मेरे लिए लायबिलिटी है या एसेट है? आप ही जवाब दें बेटे, लायबिलिटी है या एसेट है? पर एसेट है। एसेट, वेरी वेरी गुड। तो लो बेटे स्पोर्ट्स मटेरियल हम दिखाएंगे एसेट साइड, 1,00,000। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये अपने नाम से ही क्लियर है, क्रेडिटर तो बेटे नाम से ही बदनाम है कि उधार है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बनी। तो क्रेडिटर शुरुआत वाला स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 रुपए, ये आएगा जी लायबिलिटीज में। ओके अब आगे देखो जो क्लोजिंग बैलेंसेस है 70,000 और 60,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। पहले जो स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है उसे आप यहां दिखाइए, स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट साइड 70,000 और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ये आएंगे बेटे जी कितने? 60,000। लो जी क्वेश्चन हो गया खत्म। ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहला ही एग्जाम्पल कराया है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में आया था। अब आप देख लीजिए, आप खुद ही डिसाइड करिए कि मुश्किल है मार्क्स लेना या आसान है। तो सर इसी चैप्टर में से आए थे सारे बोर्ड के पेपर? अरे नहीं, सारे बोर्ड के पेपर नहीं, अभी तक बोर्ड के पेपर यार कितने सालों से चल रहे हैं, तो अलग अलग ईयर्स में आते रहते ना। आप तो ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अलग अलग ईयर्स में आते रहते हैं। ओके सर, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला दोबारा बता दो। ये वाला किसने पूछा है जी? सर मैंने। अच्छा अच्छा देखो बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा खर्चा दिखाया जाता है, और देखिए खर्चा मैंने आपको शुरुआत में बताया खरीदने से नहीं होता, यूज करने से होता है। अब यूज कितना किया ये वाली वैल्यू उसने छिपा रखी है, तो हम उसे कैसे निकालते हैं? हमारे पास शुरुआत में 1,00,000 रुपए का सामान था, 40,000 रुपए खरीद लिया, तो बेटे कुल मिला के सामान अपने पास 1,40,000 का हो गया। अब उसमें से 70,000 का बच गया। अगर बेटे 1,40,000 का सामान था, 70 का बच गया, कोई नुकसान हुआ नहीं, तो बाकी का 70 कहाँ गया? आप बताओ। सर
वो यूज हो गया, तो हमने क्या करा 1.40 में से 70,000 माइनस करके ये वाली वैल्यू निकाली है। ओके ओके जी, लो बेटे आपको मैं सबूत दिखा देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था या नहीं। ये रहा सबूत, क्वेश्चन नंबर है 25, पेज नंबर है 1.85, जल्दी से ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, ये लो बेटे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। कहते हैं जी ये इंफॉर्मेशन से आप सिर्फ क्या काम करिए, ये बता दीजिए कि कितना स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। मतलब इस क्वेश्चन ने फाइनल अकाउंट्स नहीं मांगे, इस क्वेश्चन ने बेटे जो पिछला एग्जांपल है उसका सिर्फ इतना हिस्सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग रखा है बस। अच्छा जी, अब देखिएगा डेटा क्या क्या गिवन है। 1 अप्रैल 2018 यानी कि प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 2019 यानी कि करंट ईयर। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बताया हुआ है 87,000 और 1,07,000। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बताया 2,39,000 और 3,41,000। नीचे इसने चुपके से एक इंफॉर्मेशन दे दी कि स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, मेरे बेटे ध्यान देना, परचेज इसमें गिवन है ड्यूरिंग द ईयर कितना है 4,94,000। अगर हमने परचेजेस गिवन है, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो बताओ स्पोर्ट्स मटेरियल किस तरह से दिखाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल का खर्चा दिखाना है, तो बड़ा सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही चीज बनेगी, वो क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ या ना बोलिए। क्या आप अभी की अभी इसे कर पाएंगे? नहीं जी बेटा, अब ठीक है? यस सर। हाँ जी बेटे बताइए जरा, क्या आप इसे कर पाएंगे अभी? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर है 25। नलायक अभी तो समझाया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से दिखाया जाएगा, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल सेम है जी, बल्कि मेरे एग्जाम्पल में इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसमें पूरा फाइनल अकाउंट था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहां पर लिख है जी, कर दिया? यस सर। वेरी गुड जी, अब आप तो बेटे एक्सप्रेस हो चुके हो, आपको हम कैसे पकड़ेंगे। वो तो सर हमारा भी गया 4.74 आ रहा है। अच्छा जी चलिए, तो देखिए अब मैं भी कर लूँ, मैं थोड़ा स्लो हूँ बेटे, मेरा साथ दो प्लीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, करंट ईयर बताओ 31/3/2019। ये वाली साइड है डेबिट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, और ये है जी क्रेडिट साइड इनकम और अमाउंट।
अब बेटे मुझे बताओ मैं किस तरीके से यहां पे दिखाऊं। यहां मैं लिखूंगा स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, और इसमें क्या क्या आएगा? तीन चीजें आती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। किसी भी चीज का अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिख जाए उसका खर्चा बस ऐसे ही निकल सकता है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज प्लस करो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है 87,000, परचेजेस हमें गिवन है 4,94,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 1,07,000। सबट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू आएगी 4,74,000 और ये हमारा आंसर है। और बेटे खुशी से उछल तो अब आप पढ़ोगे जब ये जानोगे कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में था। है सर बस इतना सा? हाँ बेटे बस इतना सा। सबूत है, देखो ऐसी कोई बात थोड़ी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये देखो कौन से एग्जाम है, कोई पुराना नहीं है 2019 का। इसमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं गई है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे आप बैलेंस शीट बनाएं और इसे आंसर का सेवा पार्ट डिक्लेयर करें। सर सेवा पार्ट मतलब? बेटे देखो क्वेश्चन की अगर सेवा करोगे तो ही तो आपको मेवा मिलेगा। अगर उसने एक चीज मांगी है तुम दो चीजें दोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना। चलिए जल्दी से बैलेंस शीट बनाइए। मिलेंगे पासबुक? अरे नहीं बेटे जी, एग्जाम में मार्क, एग्जाम में हमें सेवा वगैरह नहीं करनी है, प्रैक्टिस के दौरान करनी है। ठीक है ओके शुरू हो जाएगी ये बैलेंस शीट। चलो मैं भी बना देता हूँ आपके साथ। दो बैलेंस शीट बनेगी जी, छोटी छोटी सी। ये हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये हो गई है क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताओ तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में बेटे क्या क्या आएगा? क्या इसमें क्रेडिटर आएंगे? यस सर, 2,39,000 आएंगे। वेरी वेरी गुड, 2,39,000। अब मैं जिससे पूछूं बस वो आंसर दे, ठीक है ना? यश नीचे से शुरू करते हैं। यश बेटे क्या यहां पे एसेट्स आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल? 87,000। वेरी वेरी गुड, ओके जी। टीना जी आप बताएं क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या वैल्यू आएगी? 1,07,000। वेरी वेरी गुड। और अब एक ही सवाल बचा है तो ये हम, रितिका जी आप बताएं यहां क्या आएगा? बोलो बोलो रितिका बेटे, आवाज आ रही है आपको? अच्छा देखिए रितिका, शायद रितिका आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप मुझे बताइए, तरुण आप बता दो बेटे। क्रेडिटर्स आएंगे 3,41,000। वेरी गुड, 3,41,000। वेरी गुड जी, वेरी गुड। पहले आवाज भी आ रही थी आपकी।
थ्री मार्क्स आपकी जेब में, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।